हेलो फ्रेंड्स, कुक लाइक मॉमी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ट्राई कलर कटलेट बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ट्राई कलर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन मिक्सचर की तैयारी करते हैं। ग्रीन मिक्सचर बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन में पानी उबालने रख देंगे। उसमें एक कप मटर और दो गाजर कटी हुई डालेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर 8-10 मिनट तक इसे इस प्रकार तेज आंच पर उबाल लेना है। और इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। गाजर और मटर दोनों को अलग अलग कर लेंगे। मटर को हमने दरदरा पीस लिया। और अब हम इस मसाले के तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। उसमें हमने 3G पेस्ट डाली है। 3G पेस्ट में यहाँ हमने 1 ग्रीन चिली, 1/2 इंच अदरक, 6-7 कली लहसुन की ली है। और फिर जो हमने ग्रीन मटर दरदरे पीसे थे वो डाल देंगे 3G के ऊपर। अब इनके ऊपर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे धीमी आंच पर ही पकाना है जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर रख देंगे। और फिर हम वाइट मिक्सचर की तैयारी करते हैं। वाइट मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार अब हम पनीर लेकर उसके बीच में जो मटर के गोले बनाए थे उसे डाल देंगे। और एक डब्बा लेकर उसके नीचे फॉइल पेपर लगाकर इस प्रकार ये बॉल बनाकर हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रेंड्स, इसे 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम ऑरेंज मिक्सचर की तैयारी करते हैं। ऑरेंज मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ हमने 5 आलू लिए हैं। इसे मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया। और फिर जो हमने गाजर बॉईल की थी वो मिक्सर के जार में डालकर उसे पीस लेंगे अच्छी तरह। गाजर को एकदम बारीक पीसना है। और यहाँ हम मसाले डालेंगे इनके ऊपर। 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ हमने ऑरेंज कलर लाने के लिए गाजर और काश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू जैसे कि पानी छोड़ता है, इसके लिए यहाँ हमने 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और यदि इसके बाद भी हमें आलू सॉफ्ट लग रहा है तो 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं। अब हम हाथों में तेल लगाकर आलू के मिक्सचर को लेकर इस प्रकार हथेलियों पर फैला देंगे। और जो पनीर और मटर वाले बॉल बनाए थे हमने उसे फ्रिज से निकाल कर अब इसके अंदर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा एक बड़ा बॉल तैयार हो गया। अब हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस प्रकार
एक मिश्रण तैयार करेंगे और जो हमने बड़े बॉल बनाए थे इसे इस मिश्रण में डालकर फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके हम डब्बे में डालकर इसे एक दो घंटे के लिए सेट करने रख देंगे। फ्रेंड्स, गेस्ट आने के पहले ही आप ये सब बना के रख सकते हैं। और फिर इसे मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वांटिटी से हमारे 12 कटलेट तैयार हो जाएंगे।